हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 विच इज नेचुरल कैलोमिटीज एंड फर्स्ट एड सो व्हाट आर नेचुरल कैलोमिटीज ठीक है नेचुरल मतलब जो नेचुरली हो रही है नेचर में हो रही है प्राकृतिक हो रही है एंड व्हाट आर कैलोमिटीज कैलोमिटीज मतलब कोई भी जो एक डिस्ट्रक्शन लेके आती है राइट right? जैसे अर्थक्वेक हो गए ये एग्जाम्पल्स है कैलोमिटीज के लाइक अर्थक्वेक्स वॉलकैनोस फ्लड देन लैंड स्लाइड देन ड्राउट साइक्लोन ठीक है सुनामी फायर राइट सो दीज आर वॉट ऑल कैलोमिटीज एंड सिंस दे आर अकरिंग नेचुरली ठीक है अर्थक्वेक तो खुद ही होता है ह्यूमन तो नहीं कॉज कर रहे डायरेक्टली तो इसको क्या बोलते हैं नेचुरल कैलॉमिटी राइट एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एड बिकॉज सिंस ऑल दीज एक्टिविटीज इज कॉजिंग वॉट डिसबैलेंस इमेलेंस इन दी सोसाइटी ठीक है calamity, right? society, तो वो क्या होता है फिर फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है राइट सो दिस इज द दिस इज वाई वी आर रिक्वायरिंग फर्स्ट एड ऑल्सो इसीलिए हम नेचुरल कैलॉमिटीज के, के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड So in this chapter, we'll read about different natural calamities and the role of community during natural calamities, and then the first aid. Right? Our planet Earth supports life and force of nature like temperature, pressure, magnetic forces change the condition of Earth on their own. Sometimes they cause unusual changes in the climate on the surface of the Earth or in the Earth's interior. By nature, are called natural calamities. So. जो हमारी अर्थ अर्थ है जो हमारा प्लानट अर्थ है इसमें क्या है हम रहते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप की फोर्सेज हैं जैसे यहाँ पे कभी कहीं पे गर्मी है सर्दी है प्रेशर भी है राइट और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है जब ये सारी चीज़ें हैं जब इनका इंट्रैक्शन बदल जाता है जब इसमें चेंजेस आने लग जाते हैं ठीक है थीके? क्लाइमेट में चेंज आने लग जाता है तो क्लाइमेट में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है अर्थ में भी चेंज आएगा राइट अर्थ इज लिविंग राइट तो जब क्लाइमेट में चेंज आएगा तो अर्थ में भी चेंज आएगा और अर्थ में चेंज आने की वजह से क्या आता है नेचुरल कैलॉमिटीज सो लेट अस स्टडी अबाउट देम एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन टेक इन सच डिजास्टर्स तो जब नेचुरल कैलोमिटी आती है तो एक डिजास्टर कॉज होता है ठीक है एक इम्बैलेंस कॉज होता है और इम्बेलेंस कॉज करने के लिए उस समय हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे उस स्थिति को उस कंडीशन को हम वापस से सही कर सकते हैं दैट इज दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर सो फर्स्ट इज दी अर्थ क्वेक आर ट्रेमर्स इन द ग्राउंड क्रिएटेड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ह्यूज स्लैब्स ऑफ रॉक दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट अर्थ आर अकम्पेन बाय वाइब्रेशन शेकिंग एंड समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड The Richter scale measures the intensity of an earth

और अगर इसमें मूवमेंट है ये बिल्कुल ऐसे क्या स्लाइड करती रहती है एक दूसरे के ऊपर इसमें जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लगती है तो क्या होता है इट कॉजेज अर्थक्वेक ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा प्लेट्स होंगी घर में ठीक है आप एक दूसरे को प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख दो अब आप उसमें एक मूवमेंट कॉज कर दो तो क्या हो जाएगा वो सीधे तो नहीं रहेंगे ऊपर नीचे होने लगेंगे सो so, वैसा ही अर्थक्वेक का कुछ होता है राइट right? अर्थ को एक को मेजर करने के लिए एक स्केल दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं रिक्टर स्केल ठीक है कि ये जो मूवमेंट है ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है अर्थ के सरफेस पे ये कितना क्रिएट हुआ है तो इसको मेजर करने के लिए क्या है रिक्टर स्केल है इसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल कितना है वन से टेन के बीच में एक नंबर आता है जिसकी वजह से हमें पता चल जा है इसकी इंटेंसिटी कितनी है राइट right? कितनी तेजी से ये आ रहा है ऑल राइट right? सो so, कुछ ऐसे अर्थ क्वेक्स होते हैं जो अगर बहुत ही कम इंटेंसिटी के तो वो हो जाएगा मूवमेंट हमें पता भी नहीं चलेगा बट अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है टेन के आसपास कहीं है सिक्स सेवन तक भी है तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है और पूरी सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है सेस्म्योलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अर्थ क्वेक्स विद द हेल्प ऑफ सेस्म्योग्राफ्स स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक्स इज कॉल्ड सेस्म्योलॉजी अर्थक्वेक अंडर द वॉटर इज कॉल्ड सुनामी सो so, ऐसे लोग जो अब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं अब अर्थक्वेक के बारे में क्या पढ़ना है अर्थ क्वेक के बारे में बेसिकली कहाँ पे अब आ सकता है नेक्स्ट ठीक है कहाँ पे बहुत ऐसे, है, ऐसे हैं ऐसे हैं जहाँ पे बहुत प्रोन है मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं तो ऐसे लोग जो अर्थक्वेक को पढ़ते हैं कि वो क्यों आया उसके बारे में उनको क्या बोलते हैं सेस्मियोलॉजिस्ट और इसकी स्टडी को बोलते हैं सेस्मियोलॉजी यही चीज अगर वाटर के अंदर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे सुनामी और राइट सो वॉट आर द प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक इन दीज टाइप्स ऑफ कंडीशंस सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक फर्स्टली कम आउट ऑफ योर हाउस और स्कूल बिल्डिंग्स एंड मूव टू एन ओपन एरिया राइट क्योंकि घर जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं बिल्डिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा हैवी यूज किए हुए हैं ठीक है तो इसीलिए क्या बोला जाता है घर से आप बाहर आ जाओ ठीक है ओपन एरिया में इफ यू कैन गो आउट ऑफ द हाउस लाई डाउन अंडर अ स्ट्रांग थिंग लाइक टेबल एंड होल्ड ऑन अ टाइटली अगर आप घर से बाहर नहीं आ सकते राइट ड्यू टू एनी रीजन तो आपको क्या करना है एक ऐसे जगह पे अपने आप को अपने जो सर है बेसिकली सर को आपने प्रोटेक्ट करना हैड को तो आपने एक ऐसी जगह पे लेट जाना है बैठ जाना है जहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो ठीक है और अपने कवर करना है टाइटली किसको? को को right? राइट Do not stand near windows, bookcases, mirrors, hanging pots, fans, etc. during or immediately after an earthquake. Right? ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा क्या हिल सकती है गिर सकती हैं स्पेशली उनके आसपास आपने खड़ा नहीं होना है ठीक है ऑल्सो इफ आउटडोर्स कीप अवे फ्रॉम द ट्रीज साइन बोर्ड्स बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स बाहर भी अगर अब आप ओपन एरियाज में हो तो क्या है जो भी टॉल चीजें जो खड़ी हुई हैं जैसे ट्रीज हैं साइन बोर्ड्स है ना लैम्प हो सकता है इलेक्ट्रिक पोल्स हो सकते हैं उनसे भी आपने दूर ही मेंटेन करनी है डू यू नो द सुनामी दैट अकर्ड ऑन 26 दिसंबर 2004 इन इंडियन ओशन इज नोन टू बी द मोस्ट पावरफुल अर्थ क्वेक दैट हैज अकर्ड टू डेट 26 दिसंबर को 2004 में एक सुनामी आई थी और यह सुनामी अभी तक की क्या है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाली सुनामी रही है राइट नॉलेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज next are the volcanoes So volcano is a vent or fissure where magma the molten rock from Earth's hot interior emerges onto the surface if some some places the molten rock lava may ooze out slowly and gently but in others it can erupt with a violent explosion throwing out red hot lava lumps of rocks ash and clouds of steam वॉल कैनोज कैन बी एक्टिव डॉमेंट और एक्सटिंक्ट सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सो बेसिकली वॉल कैनोज ऐसे माउंटेन की तरह हो सकते हैं ठीक है नीचे क्या है रॉक्स हैं और अर्थ का हीट है तो अर्थ के हीट की वजह से जब रॉक जो है वो क्या मेल्ट होने लगता है इतनी ज्यादा हीट की वजह से रॉक मेल्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे वो बाहर निकलने की बाहर निकलते हैं राइट जब वो बाहर निकलते हैं अर्थ से तो उसको हम क्या बोलते हैं वॉल कैनो राइट या तो वो धीरे एकदम ऐसे आराम से बाहर निकल सकते हैं ठीक है या फिर वो बहुत ज्यादा एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन की तरह भी बाहर निकल सकते हैं ठीक है वॉयलेंट एक्सप्लोजन की तरह भी बाहर निकल सकते हैं एन डॉमेंट वॉल कैनो हैज नॉट इरप्टेड इन टू थाउजेंड इस एन एक्टिव वॉल कैनो हैज इरप्टेड रिसेंटली एंड इज लाइकली टू इरप्ट अगेन अब देखो डिफरेंट तीन टाइप्स के वॉल कैनो आप बोल सकते हो एक है एक्सटिंक्ट वॉल कैनो ठीक है एक्सटिंक्ट वॉल कैनो ऐसा जो मतलब अब एक्सटेंट हो चुका है अब वो वापस नहीं इरप्ट होगा वो वापस से आएगा नहीं ऊपर ठीक है नेक्स्ट कम्स द डोरमेंट मतलब जो बहुत समय से क्या है डोरमेंट है उसमें कोई भी एक्टिविटी हलचल नहीं हुई है तो ऐसे जो वॉल कैनो हुए दो हजार सालों में अभी तक क्या हुए हैं वो इरप्ट नहीं हुए एंड द थर्ड इज द एक्टिव वॉल कैनो जो अभी एक्टिव है उसमें चीज़ें चल रही हैं एंड वो इरप्ट हो सकते हैं सो रिसेंटली ऐसे इरप्ट भी हुए हैं राइट सो इन दिस कंडीशन वॉट आर द प्रिकॉशंस डेट वी शुड टेक फर्स्ट लीव द एरिया इमिडिएटली इफ यू वॉम्ट वॉम टू इवेक्यूएट बिक्शन इज इमेंट इवेक्यूएट तो आपको अगर बताया गया है कि वहां पर आस पास वाले एरिया में क्या है वॉल कैनो इरप्ट हो सकता है सो so, टली right? वहां से इवेकुएट करिएफ यू कैन ड्राइव राोजन जो है बहुत दूर तक होने वाला है बहुत तेजी से होने वाला है सो इफ यू हैव समीक देन ड्राइव टेक टेम्परेरी शेल्टर फ्रॉम वॉल कैन यू एश इन द लोकेशन वे यू आर यूज अर डस्ट मास्क और अ क्लोथ मास्क कोई भी टेम्परेरी शेल्टर ले लो राइट right? और साथ ही में यूज डस्ट और अ क्लोथ मास्क राइट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा क्या एशेज निकलती हैं नेक्स्ट इज द फ्लड अब फ्लड में क्या हो रहा so, so flood. है सो व्हाट इज अ फ्लड ड्यू टू हैवी रेन्स रिवर्स बिकम सो फुल दैट दिस स्प्रेड आउट ऑन द लैंड अराउंड देम दिस इवेंट इन नेचर इज कॉल्ड फ्लड ड्यूरिंग फ्लड्स लार्ज एरियाज ऑफ ड्राई लैंड गेट सम इन वाटर अब देखो वाटर कहाँ मूव करता है रिवर्स में मूव करता है बट अगर बहुत ज्यादा अगर क्या है बारिश हो गई है मे बी क्लाउड बस्ट ही हो गया तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका रिवर है और रिवर में एक पानी आ सकता है ठीक है बट अगर बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा अब पानी बाहर निकलने लगेगा और ऐसे ही कंडीशन को क्या बोला जाता है फ्लड राइट सो वॉट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक ड्यूरिंग दिस टाइम कीप अ फर्स्ट एड किट ऑलरेडी राइट अ फर्स्ट एड किट विद यू रेडी हमेशा एक फर्स्ट एड किट रखिए अ रेडियो टॉर्च मैच बॉक्स कैंडल्स एंड स्पेयर बैटरीज अब देखो सिंस ऐसे टाइप में केस में क्या होगा कि आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा ठीक है या फिर जिस जिधर भी आप उसको आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे पानी नहीं आ सकता तो आपको कुछ चीज़ें जैसे बैटरीज हैं टॉर्च हैं रेडियो है ये सारी चीज़ें आपने कैरी करनी चाहिए कीप एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फ्रेश वाटर एंड ड्राई फूड आइटम्स कुछ खाने के लिए और पानी भी आपने रखना चाहिए कीप वाटर प्रूफ बैग्स फॉर पैकिंग फूड आइटम्स क्लोथ्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ठीक है वाटर प्रूफ का भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए एंड ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर एंड ईट फ्रेशली कुड फूड अब ऐसे एरिया में क्या होगा बहुत ज़्यादा पानी है तो साफ पानी होगा नहीं तो इसीलिए बॉइल्ड वाटर ही कंज्यूम करना है फ्रेश जो है कुक्ड फूड ही खाना है ठीक है सो दीज आर सम ऑफ दी प्रिकॉशंस नेक्स्ट कम्स दैंड स्लाइड सो वेन मैसेव रॉक ब्रेक्स ऑफ एंड स्लाइड डाउन हिल और माउंटेन साइड इट इज कॉल्ड अ लैंड स्लाइड इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ और फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए क्या है ये एक माउंटेन है ठीक है अब यहां से धीरे से कोई क्या हुआ एक सेक्शन ऑफ रॉक नीचे स्लाइड डाउन हो गया ठीक है अब ये तो बिल्कुल ऐसे रॉक की तरह नीचे जाएगा इसी चीज़ को क्या हम बोलते हैं लैंड स्लाइड ठीक है slide, जब एक हिल का एक माउंटेन का रीजन नीचे स्लाइड डाउन हो जाता है और जो भी उसके पाथ में आएगा अब इसको ये बिल्कुल डिस्ट्रक्ट करते हुए जाएगा लाइक दिस सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक ड्यूरिंग दिस टाइम बी प्रिपेयर्ड टू एक्ट एंड डू सम इमीडिएटली इफ नेसेसरी तो इस समय भी हमें क्या बिल्कुल रेडी रहना चाहिए एक्वेशन के लिए तुरंत वहां से मूव करने के लिए इफ यूर इन साइड रिमेन वेयर यू आर एंड टेक कवर अंडर अंडर अ स्टर्डी पीस ऑफ फर्नीचर अगर आप घर अंदर हैं उसमें ठीक है सो मेक श्योर आप अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम ठीक है इफ यू आर आउटसाइड अगर आप बाहर हैं रन टू द नियरेस्ट हाई ग्राउंड अवे फ्रॉम द लैंड ठीक है ऐसे रीजन पे चले जाओ जहाँ पे क्या है लैंड से बच सकते हैं Okay, now let's move to the next page. Another is the drought. So drought is caused due to deficiency of water over a long period of time when there is a little or no rain. It results in severe short water shortage. Ponds and lakes dry up. Huge cracks develops in the soil due to scarcity of water. Crops are damaged. People do not have food to eat. Their animals starve as they depend mostly on farm waste. अब देखो ड्रॉट क्या हो रहा है और ड्रॉट से देख रहे हो बहुत सारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं साथ में अगर वाटर की है? वाटर है की डेफिशिएंसी है लैंड में तो क्या होगा सबसे पहले क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे वहां की सॉइल में ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे वहां पे इंसान के लिए पानी नहीं बचेगा क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे ठीक है फूड नहीं होगा क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे तो फूड नहीं होगा एनिमल्स भी तो फूड पर ही डिपेंड करते हैं तो वो भी स्टाफ करके दे विल ऑल्सो डाई राइट सो वॉट आर द प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है तो हमें क्या जो भी जितना भी हमारे पास रेन वॉटर आया उसको कैसे हम बेटर यूज में ला सकते हैं लर्न टू सेव एंड कंजर्व वाटर ओके एंड ग्रो मोर ट्रीज सो दैट वाटर कैन बी रिटेंटेड इन द सॉइल नेक्स्ट इज द साइक्लोन सो साइक्लोन

कीप इमरजेंसी फोन नंबर ऑफ पुलिस एम्बुलेंस एंड फायर है मूव पीपल एंड प्लेस एंड स्टोर ऑल्सो वेट इलेक्ट्रिक लाइन एंड स्विचेस स्पेशली क्योंकि इस समय क्या होगा बारिश है ठीक है तो आपने किससे दूर रहना इलेक्ट्रिक लाइन्स स्विचेस से दूर रहना है

मी इज अपनीज वर्ड मीनिंग हार्बर वेव अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेवस दैट अकर आफ्टर अंडर सी डिस्टर्बेंस सच एस अर्थक्वेक्स और वॉलैनिक एरप्शन अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा अर्थक्वेक और वॉलैनिक्स के बारे में वॉलकैनो के बारे में पढ़ा था जब भी अर्थक्वेक या वॉलकैनो आते हैं राइट तो वो क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सरफेस वाला लेयर है ठीक है अगर यहां पे क्या होगा वॉलकैनोज आएंगे अगर यहाँ पे अर्थ को एक आने लगेगा तो वहीं पे तो क्या है वाटर भी है राइट right? वाटर में भी हलचल होगी इनफैक्ट वाटर में तो बहुत जल्दी से वेव्स पास होती हैं इसीलिए इस टाइम क्या होता है सुनामी भी आती है सो सुनामी इज अ अपनीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव और जब बहुत ही ऐसे ऊंची ऊंची लहरें आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं सुनामी सो वॉट आर द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेक दैट वी कैन टेक ड्यूरिंग दिस टाइम This powerful wave of water reaches the coast and causes a lot of damage to life and property. When tsunami waves starts to strike the coast, the best thing is to run away from there. A 10 kilometer distance from the coast is safe a distance. तो क्या होता है, जब भी सुनामी आती है, ठीक है, तो वो एकदम से नहीं आएगी, वो धीरे-धीरे उसकी क्या है, waves का जो height है, वो बढ़ेगा, all right? तो आपने क्या करना है, एक बार जब आपको पता चल गया कि अच्छा, यहाँ पर क्या है वेदर ऐसे चेंज हो रहा है सुनामी आ सकती है तो आपने क्या एटलीस्ट टेन किलोमीटर अपने डिस्टेंस से तू चले जाना है राइट टेन किलोमीटर इज अ सेफ डिस्टेंस नाउ लेट्स मूव द द नेक्स्ट नेक्स्ट पेज कम्स फायर इफ देर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग इन फॉर्म द नियर फायर स्टेशन इफ द फायर इज कॉज बाय केरोसिन और पेट्रोल नेवर थ्रो वॉटर ओवर इट दिस इज बिकॉज पेट्रोल बींग लाइटर देन वॉटर

कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन ऑल राइट और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर फायर जो है वो कैरोसिन या पेट्रोल की वजह से हुआ है ठीक है तो हमें कभी भी क्या वॉटर ऐड नहीं करना है क्योंकि क्या होगा अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो उसमें क्या ऑयल्स जो है वो फ्लोट करने लग जाएंगे और लाइट जो फायर है वो कॉन्टिनसली तब भी जलती रहेंगी तो अगर ऐसा केस है तो हमें क्या यूज करना चाहिए सैंड या फिर मड राइट right? इफ सम्स कॉट फायर राइट अगर किसी के जो कपड़े हैं उसमें फायर आग लग चुकी है तो क्या करना होगा अगेन पानी नहीं डालना आपको क्या करना है उस इंसान को ब्लैंकेट में रैप करना है ठीक है उससे क्या होगा ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाएगा एंड दैट इज हाउ फायर कैन बी पुट ऑफ डू यू नो अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ हैंड हेल्ड एक्टिव फायर प्रोटेक्टर डिवाइस यूजली फिल्ड विद्राई और केमिकल्स यूज टू कंट्रोल स्मॉल फायर्स, ठीक है और फायर तो एक्सटिंग क्या होता है इज अक्टिव मतलब हाथों से यूज करने वाला एक क्या फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है, है जिसमें ड्राई या फिर वेट केमिकल्स होते हैं विच कैन बी यूज टू कंट्रोल स्मॉल it. इफ switch off the main power supply. अब देखो fire है different तरीके से cause हो सकती है अगर इंसान के किसी कपड़े में आग लगी है तो हमने देखा कि उसको क्या ब्लैंकेट से रैप करना है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो सके अगर पेट्रोल की वजह से है तो आपने सैंड डालना है और अगर स्विचेस में है तो आपको क्या मेन सप्लाई बंद कर देने एंड यू शुड यू हैव नॉट यू डू नॉट पुट वाटर ऑन इट राइट ना लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी नेम दीज नेचुरल कैलमिटीज राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द कम्युनिटी

जो भी विक्टिम्स हैं उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि वो कम सफर करे सो इट इज आर मॉरल ड्यूटी टू हेल्प ईच अदर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। गवर्नमेंट एजेंसीज़, कम्युनिटी एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन डू अ लॉट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग रिलीफ टू पीपल इफेक्टेड बाय नेचुरल कैलॉमिटीज ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है गवर्नमेंट एजेंसीज है कम्युनिटीज हैं डिफरेंट लोग हैं जो मिल क्या काम करते हैं ताकि जितने भी लोग जिनको कैलोमिटीज की वजह से कुछ दिक्कत आई है उनको हेल्प करने के लिए सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रिलीफ कैंप्स दे कलेक्ट डोनेशन इन मेनी फॉर्म्स लाइक मनी फूड आइटम्स एंड क्लोथ्स एंड हेल्प द इफेक्टेड पीपल लिविंग इन दीज कैंप्स रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड द इफेक्टेड पीपल विद ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल हेल्प मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर द सिक हर्ट एंड द इफेक्टेड अब देखो नेचुरल कैलमिटी में क्या होता है आपके पास रहने के लिए नहीं हो पाता मनी आपका चले जाता है आपका फूड आइटम चले जाता है आपके क्लोथ चले जाते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि आप अपने घर से ही आपको बाहर जाना है घर से दूर चले जाना है तो ऐसे एक सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी जो इफेक्टेड पीपल को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है राइट और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीफ कैम्प सेटअप करते हैं जिसमें ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है मनी, फूड आइटम्स क्लोथ ब्लैंकेट्स एंड मेडिकेशन आर डोनेटेड बाई पीपल एंड सेंड टू द इफेक्टेड एरियाज़ ठीक है लोग भी खुद डोनेट करते हैं जहाँ पे इफेक्टेड एरियाज़ है उधर भेजते ऑर्गेनाइजेशन दीस ऑर्गेनाइजेशन वर्क हार्ड टू मेंटेन हाईजेनिक कंडीशन इन द इफेक्टेड एरिया एंड रिलीफ कैंप्स टू प्रिवेंट द आउट ऑफ एन एपेडमिक तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या करती है उस इफेक्टेड एरिया में एक तो हाइजीन मेंटेन करते हैं राइट right? और साथ ही में उस रिलीफ कैंप को प्रिवेंट करती है कि वहाँ पे वापस से कोई एपिडेमिक ना हो ठीक है वापस से कोई महामारी क्रिएट ना हो जाए राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट एड अभी हमने इतने सारे क्या नेचुरल कैलमिटीज़ के बारे में देखा अब हम देखते हैं कि इससे प्रिवेंट करने के लिए हमने डिफरेंट प्रिकॉशंस भी देखे बट वट इज फर्स्ट एड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हाउ इट कैन हेल्प अस In times of disasters and accidents, emergency treatment is given to patients before the arrival of the doctor or before the patient is taken to a hospital. Such emergency treatment is called first aid. अब देखो कुछ भी अगर natural calamity भी होती है right? किसी को कुछ effect भी हो जाता है कोई person. फिर भी बहुत जल्दी हम उसको अगर treatment देना है अगर हमें तुरंत treatment देना है first aid जिसको बोला जाता है है ना पहला कोई help. It that is called first aid, right? so here are some ways to deal with some common injuries and first aid to provide it what are do, during cuts and wounds right hum kya kar sakte hain what could be the first aid so germs enter our body through uncovered wounds cuts or scratches therefore you should take the following precautions अब देखो अगर आपको cuts हैं या फिर कहीं पे चोट लग गई है तो क्या होगा उस एरिया में easy in, easy entry मिल जाएगी germs को है ना बाहर से तो हम क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए वी कैन क्लीन द इफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन द एंटीसेप्टिक सल्यूशन राइट अप्लाई अ थिक पैड ऑफ कॉटन एंड वूल ओवर द कट एंड प्रेस इट जेंटली दिस विल स्टॉप द ब्लीडिंग बैंडेज द वाउंड इफ इट इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली यूज अ टोर्क्यूर किट अ टाइट बैंड देखो अगर कहीं पे चोट लग गई है तो हम फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लो एंटीसेप्टिक सेप्टिक सोल्यूशन से ताकि वहाँ पे कोई और कोई फंगल uh, या किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं हो जो भी अगर कुछ जर्म्स हैं वो भी किल हो जाए ठीक है वहाँ पे कॉटन लगा दो अगर ब्लीडिंग हो रही है ठीक है उसको अच्छे से प्रेस कर दो देन बैंडेज लगा सकते हो और फिर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है देन टाइट बैंडेड बैंड आप यूज कर सकते हो इफ़ द स्किन इज कट बाय अ डायरेक्ट और रस्टी ऑब्जेक्ट जर्म्स में एंटर आर बॉडी एंड कॉजर डेट इी डिजीज कॉल टेटनस राइट सो विजिट अ डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टेटनेस इंजेक्शन अगर जो कट लगाए अगर जो वाउंड है वो किसकी वजह से ऐसे ऑब्जेक्ट्स की वजह से जिसमें रस्ट लगा हुआ है ठीक है ये भी ध्यान देना है कि चोट लगी कैसे अगर रस्टेड ऑब्जेक्ट से चोट लगी है तो एक डिजीज हो सकती है जिसको क्या बोलते हैं टेटनेस सो टू गेट एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम दैट डिजीज तुरंत तो हम ये चीज़ कर सकते हैं और फिर लेटर के लिए क्या है कि डॉक्टर को दिखा के एंटी टेटनेस इंजेक्शन हम ले लें

इन केस ऑफ ब्लीडिंग सिट विदेड टिला जो हैड है उसको बैकवर्ड टिल्ट करके हमें बैठना है राइट right? और प्रेस करना है अपने नोज को और वी हैव टू मेक श्योर कि हम आइस पैक यूज़ करें राइट क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है ब्लीडिंग नोज कब होता है जनरली गर्मी में ठीक है तो अगर हम आइस पैक अगर या फिर वेट क्लॉथ अगर अपने नोज पे रखेंगे तो इट विल हेल्प एंड ऑल्सो वी हैव टू ब्रीथ थ्रू आर

जॉइंट है उसके अराउंड कोई फ्रैक्चर है ठीक है मसल खिंच गई है स्प्रेन आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं उस टिश्यू के अराउंड आप उसको सपोर्ट दे सकते हो ठीक है स्वेलिंग हो जाती है इसकी इसलिए आप क्या आइस पैक लगा सकते हो ठीक है दूसरी चीज़ अगर फ्रैक्चर है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते बट उस चीज़ को सपोर्ट दे सकते हैं राइट लाइक दिस मे बी यूजिंग सम क्लोथ और समथिंग एल्स राइट नेक्स्ट कम्स द बर्न अब अगर बर्न है तो उधर क्या कर सकते हैं

we read that natural calamities are calamities caused by nature earthquakes of great intensity cause a lot of damage of life and property during floods large areas of dry land get submerged in water drought is caused due to the deficiency of water over a long period of time when there is a little or no rain red cross society provides the affected people with all type of medical help the emergency treatment